जब त्वचा कट या फट जाती है तो उस समय सूक्ष्म जीवाणु रोगी के शरीर में प्रवेश करके पैदा कर सकते हैं। आंसर सी, संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 3, यदि रोगी की त्वचा शुष्क ड्राई और हो तो उसे स्नान कराना चाहिए। आंसर ए, सप्ताह में 1 या 2 बार। क्वेश्चन नंबर 4, चिकित्सालय में रोगी के दांतों की सफाई एवं बाहर से उसका मुंह धोना चाहिए। क्वेश्चन आंसर डी, सुबह जागते ही। क्वेश्चन नंबर 5, उपचारिका को रोगी के मुख की जांच करनी चाहिए। आंसर ए, प्रतिदिन, डेली। क्वेश्चन नंबर 7, रोगी के होठों को शुष्कता और फटन से बचाने के लिए होठों पर कुछ बूंदें लगानी चाहिए। आंसर ए, सरसों का तेल। क्वेश्चन नंबर 8, रोगी के बालों को स्वस्थ रखने के लिए उनमें ब्रश या कंघी करनी चाहिए। आंसर सी, डेली, प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 9, रोगी की बेरोनियों या पलकों पर जमा हुए स्राव को साफ करना चाहिए। आंसर डी, रोगाणु रहित गीले कपड़े से। क्वेश्चन नंबर 10, रोगी के कान की सफाई करते समय कर्ण मेल को नरम करने के लिए बाह कर्ण या पिना को खींचना चाहिए। आंसर सी, नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यदि रोगी मधुमेह या रक्त दाब से पीड़ित हो तो विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। आंसर ए, टांगों और पैरों की। क्वेश्चन नंबर 12, यदि रोगी की टांग के निम्न भाग की त्वचा भूरी और मोटी अथवा लाल और चमकदार हो तो रोगी को समस्या हो सकती है। आंसर बी, परिसंचरण संबंधी। क्वेश्चन नंबर 13, रोगी के रक्त परिसंचरण तंत्र में सुधार होता है। आंसर डी, उसकी पीठ की मालिश करने से। क्वेश्चन नंबर 15, दाब छत से बचाने के लिए रोगी की स्थिति को करवट दिलाकर बदलना चाहिए। आंसर ए, 1 या 2 घंटे पर। क्वेश्चन नंबर 16, रोगी को दाब छत होने पर उसे दिए जाने वाले पौष्टिक आहार में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। आंसर डी, उपयुक्त सभी प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन सी, ऑल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17, रोगी की त्वचा पर लगे सूक्ष्म जीवाणु दूर होते हैं। आंसर डी, स्नान करने से। क्वेश्चन नंबर 18, रोगी को स्नान करते समय आवश्यकता हो सकती है। आंसर बी, कुर्सी की। क्वेश्चन नंबर 19, रोगी के दांत व मसूड़ों को साफ करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ब्रश के बाल होने चाहिए। आंसर ए, नरम, सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कर्णपटह ईयर ड्रम में कोई छेद होने पर या उसके क्षतिग्रस्त होने पर कान को, आंसर सी, कभी नहीं धोना चाहिए।